केंद्र की मोदी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए। 26 मई 2014 को सरकार ने काम शुरू किया था और इस बार सरकार ने अगले चुनाव के लिए नया नारा भी गढ़ लिया, साफ नियत सही विकास 2019 में फिर मोदी सरकार। लेकिन जनता इन 4 साल के कामकाज पर सरकार को कितने नंबर दे रही है? क्या लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं? क्या वो फिर इसी सरकार को और बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार हैं? क्या नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता में कोई अंतर आया है? इन्हीं सारे सवालों को लेकर सीएसडीएस और लोकतीनीति ने सर्वे किया है, जिसे हम आज आपके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आखिर अगर आज के आज चुनाव हो जाएं तो किसकी सरकार बनेगी। जी हां, वो सवाल जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं जब कोई सर्वे होता है, आज अगर चुनाव हो जाएं तो किसकी सरकार बनेगी। तो ये आंकड़ा इस समय आपके सामने है। 2014 में एनडीए को मिली थी 323 सीटें, आज अगर चुनाव हो जाएं तो एनडीए के खाते में आ सकती हैं 274 सीटें। बड़ा नुकसान यहां पर एनडीए को होता हुआ दिख रहा है। यूपीए को 2014 में मिली थी कुल मिला के 60 सीटें, लेकिन आज 164 सीटें उनकी आ सकती हैं, आज अगर चुनाव हो जाते हैं तो। अन्यों के खाते में 153 सीटें आई थी, 105 अब आ सकती हैं थोड़े नुकसान के साथ। लेकिन कांग्रेस के लिए खुश होने की बात है, क्योंकि इन अन्यों में से कई सारे वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, खासतौर पर कर्नाटक फॉर्मूला देखने के बाद कई लोगों को, कई पार्टियों को, कई निर्दलियों को ये लग सकता है कि वो दूसरी तरफ चले जाएं। अब जरा वोट परसेंटेज आपको दिखाते हैं कि वोटों का प्रतिशत क्या हो सकता है। 32% वोट बीजेपी को और 5% वोट बीजेपी के सहयोगियों को, अगर आज चुनाव हो जाए तो कुल मिला के यानी कि 37% वोट। कांग्रेस को 25% वोट और 6% वोट कांग्रेस के सहयोगियों को, यानी कुल मिलाकर 31% वोट। लेकिन अब आता है पेच, बीएसपी और उसके सहयोगी, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। बीएसपी को 4% और उनके सहयोगियों को 6% वोट मिल सकते हैं, यानी कि यह 10% बड़ा डिसाइसिव वोट हो सकता है, क्योंकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कम से कम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और कर्नाटक के मंच पर भी सभी एक साथ कांग्रेस के नेताओं से गलबहियां करते हुए दिखाई दिए थे। 10% का इजाफा यूपीए के खाते में इससे हो सकता है, 3% लेफ्ट और 19% अन्यों के खाते में भी जा सकता है। अब हम इसको लेकर कोई भी चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको एक तस्वीर और दिखानी जरूरी है। गौरव भाटिया हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। गौरव, आप भी देखिएगा जरा ध्यान से, क्या देश का मूड बदल रहा है? बीजेपी और सहयोगियों को जरा आप पिछले एक साल में बदलाव देखेंगे तो मई 2017 में 45% लोग पसंद कर रहे थे, जनवरी 2018 में 40% लोग, जो कि मई 2018 में घटकर 37% का आंकड़ा हो गया है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों की लोकप्रियता में क्या कोई बढ़त हुई है? जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या देश का मूड अगर बदला है तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों को मिल सकता है? जी, ये देखिए तस्वीर है, मई 2018 में 31% लोग कांग्रेस और उसके सहयोगियों को पसंद कर रहे हैं, लेकिन मई 2017 में तस्वीर अलग थी। ठीक वैसे ही बीएसपी और उसके सहयोगियों को भी 6% लोग मई 2017 में पसंद कर रहे थे, 10% लोग मई 2018 में आज पसंद कर रहे हैं। इसलिए आज दंगल में सीधा सवाल हम पूछने वाले हैं, हम ये पूछने वाले हैं कि क्या अगली बार जोड़ तोड़ की ही सरकार बनेगी, क्योंकि दोनों में से किसी भी तरफ ऐसा नहीं लगता कि पूरी तरह से ताकत वाली सरकार आ जाएगी जैसी 2014 में आई थी। क्या बीजेपी साल 2014 वाला कमाल 2019 में भी दोहरा पाएगी? यह होगा आज दंगल का दूसरा बड़ा सवाल। क्या सरकार के अधूरे वादे 2019 में महंगे पड़ेंगे? क्या माया, अखिलेश और कर्नाटक वाला फॉर्मूला जो है उसने कांग्रेस पार्टी को एक नई संजीवनी दे दी है? और सबसे बड़ी बात, क्या बिना चेहरे के विपक्ष मोदी को हरा पाएगा? इन सारे सवालों पर आज की बहस होगी। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं बीजेपी से, इसके अलावा कांग्रेस से चरण सिंह सापरा हमारे साथ होंगे, उनके पास भी चलेंगे। हमारे साथ टीएमसी के भी समर्थक होंगे भार्गव चटर्जी, उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ जो जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अजय आलोक जेडीयू से हमारे साथ हैं और जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। गौरव भाटिया, आज चुनाव होते हैं तो बड़ा झटका लगेगा, अभी एक साल और बाकी है। रोहित जी, आपने सैंपल साइज नहीं बताया, बट जो मेरी जानकारी है, मुझे किसी ने चर्चा में बताया 18,000 का ये सैंपल साइज था। अगर 18,000 के सैंपल साइज से पूरे देश में क्या होने वाला है ये तय होगा तो मैं समझता हूँ कि अगर ये कह देता कि 385 सीटें बीजेपी की आ रही है, आप तो ना आप सैंपल पूछते ना और ना सर्वे तो की जरूरी होता है। सर्वे में पता होना चाहिए सैंपल साइज कितना है और मार्जिन ऑफ एरर कितना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए, हम इस सर्वे से सहमत नहीं है।
जो अच्छा काम जो है चार साल में मोदी जी की सरकार ने किया है, जो विकास की तरफ हम लोग आगे बढ़े हैं ना, उसी का परिणाम है एक दृश्य आपने कर्नाटका में देखा, जहां पे तीन चीजें साफ थी उस चित्र में। पहला था भ्रष्टाचार, दूसरा था वंशवाद और तीसरा सांप्रदायिक राजनीति। ये सब एक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनको मोदी जी का जो नेतृत्व है उसका डर है, और कोई गोंद नहीं है जो इनको साथ ला रहा है। दूसरी बात, विरोधाभास इसमें इतना है, इनका नेता कौन है ये खुद नहीं बता पाएंगे। कल की बात है, समाजवादी पार्टी ने एक घोषणा करी कि मध्य प्रदेश में वो सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर कांग्रेस से कैसा आपका गठबंधन है? और आप देखिए, ममता बनर्जी ने कहा जो हमसे टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा। तो मतलब लेफ्ट और कांग्रेस तो वहां चूर चूर होने ही जा रही है। तो इस तरह से कोई ठगबंधन बन रहा है, ये गठबंधन नहीं है। और महाठगबंधन जो है वो जनता का विश्वास कभी भी जीत नहीं सकता है। जो स्वच्छ सरकार दी है, विकास की सरकार दी है बीजेपी ने, उसी की जीत होने वाली। अगर ऐसा है तो फिर जनता के बीच में विश्वास कम क्यों हो रहा है? मई 2017 में 45% लोग जिसे पसंद करते थे। सहमत नहीं हूं मैं सर्वे से, उसका सम्मान जरूर करता हूं। आपने पेश किया, आपका अधिकार है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर जनता में एक राय इस तरीके की बन रही है चरण सिंह साहब। रोहित जी एक चीज और, ये सीएसडीएस का ही सर्वे आप दिखाइएगा, यूपी के चुनाव थे 2017 के, आप देख लीजिए। मैं कह रहा हूं हो सकता है पहले के सारे गलत हो। हां सारे गलत थे, लेकिन बस मैं इसी कह रहा हूं नहीं, आप सीएसडीएस के नंबर निकाल लीजिए। ऐसे तो अमित शाह का सर्वे था, 125 सीटें लेके आ रहे हैं हम कर्नाटक में। आप बताइए क्या 104 नहीं है? 104 आई ना, 104 सबसे बड़ा दल 125 नहीं है ना? बदलाव की आंधी तो थी ना, आप विधानसभा से बाहर चले गए, आज सरेंडर कर दिया आपने स्पीकर के चुनाव में। देखिए राजनीति में 104 सीटें लाके बड़ा दल बन के अगर इसको सरेंडर करना कहते हैं तो राहुल गांधी 31 चुनाव हार चुके, वो तो मतलब कहीं है ही नहीं। चरण सिंह सापरा, आप मानते हैं इनकी लोकप्रियता घट रही है? मई 2017 में 45% लोग पसंद कर रहे थे, मई 2018 में 37%। कांग्रेस को मई 2017 में 27% लोग पसंद करते थे, मई 2018 में 31%। बिल्कुल इनकी लोकप्रियता घट रही है, क्योंकि रोहित जी देखिए, इन्होंने जो 2014 में जो वादे किए थे उसमें एक भी वादे पर ये खरे नहीं उतरे हैं। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, अब 4 साल पूरे हो गए तो पकोड़े तलने का उद्योग ये हमको सिखा रहे हैं। उसी तरह से इन्होंने महिला सुरक्षा की बात की थी तो सबसे ज्यादा बलात्कार जो है वो इनके पिछले 4 साल में हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर नेता बलात्कारियों के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। किसानों की बात करें तो आत्महत्या उसी तरह से चल रही है, एमएसपी पे कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई है और किसानों की जो आय है वो दुगनी नहीं हुई है। उसी तरह से इन्होंने कहा था कि गंगा साफ होगी, लेकिन यहां पर इनके दोस्त उद्योगपति बैंक साफ करके चले गए हैं। 60,000 करोड़ रुपया सफेद पैसा देश से बाहर चला गया, इनकी नाक के नीचे से चला गया। ऐसे कितने सारे वादे किए थे, एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, अब वो 10 सर की जगह में इनको 39 शव जो है वो इराक से लाने पड़ गए, और 400 हमारे जवान आज तक शहीद हो गए, 290 हमारे सिविलियन शहीद हो गए हैं। इन्होंने इतने सारे वादे किए, भाई साहब लोगों ने वोट दी थी 56 इंच के सीने को, 56 इंच की जुबान को वोट नहीं दी थी भारतवासियों ने? तो आप ये 56 इंच की जुबान जो चला रहे हो ना 2014 से, वो एक भी वादे पूरे नहीं हुए, इसीलिए ये जो लोकप्रियता है वो कम हुई है आपकी, और सीटें भी कम होती नजर आ रही हैं। और ये जो गठबंधन आगे बड़ा मिल रहा है, ये गठबंधन से ये घबर रहे हैं, ये डर रहे हैं। एक बात बताइए सपड़ा जी, गोरखपुर देख लिया सपड़ा जी, इन्होंने फूलपुर देख लिया सपड़ा जी, कर्नाटका देख लिया सपड़ा जी, अब इनको फिक्र हो रहा है कि ये गठबंधन से हमको कितना बड़ा क्षति पहुंचेगी, कितनी नुकसान होगा ये देख रहे हैं। फूलपुर में ना, गोरखपुर में ना, कर्नाटक में ना, गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने कोई भी ऐसा कमाल किया है अपने दम पे जहां वो खड़े हो सके अपने पैरों पे कम से कम, तो फिर आप लोग क्यों इतने खुश हो रहे हैं? आपको तो चिंता करनी चाहिए कि आपको फिर सहारा लेना पड़ेगा किसी ना किसी का, कंधों पे बैठना पड़ेगा। देखिए गुजरात के अंदर अरे भाई साहब, सहारा तो ये भी लेकर के चल रहे हैं। आज ये खाली नरेंद्र मोदी जी की या बीजेपी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है और 46 पार्टियों वाली सरकार चल रही है। उसी तरह से अगर आप इस देश का इतिहास देखें, सबसे पहला गठबंधन जो है वो हिंदू महासभा का हुआ था
और उसमें श्यामा प्रसाद आपकी कितने प्रदेशों में सरकार है ये तो एक बार बता दीजिए। उसी तरह से और मुझे पता है आपको जिस में भी गठबंधन जबान होती है उससे बड़ा बुरा लगता है तो सही ना यार। मनमोहन सिंह जो है चुप्पी साधे रहते थे, जनपद में निर्णय होते थे, ऐसा प्रधानमंत्री देश को दोबारा नहीं चाहिए। सुनने की शक्ति रखिए। सुनिए सुनिए, हमने 56 इंच की जुबान नहीं चलाई है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फूलपुर और वाराणसी में आपको गठबंधन का कैलकुलेशन जब्त हो गई थी। गौरव जी गठबंधन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना लड्डू आप बांट रहे हैं। गठबंधन का इक्वेशन बता रहा हूं, आप कुछ सीख लीजिए ना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो हमारे से सीख लीजिए। और परिवार में किस तरह से गठबंधन हुआ मैं वो बताने जा रहा हूं। 89 में किस तरह से गठबंधन हुआ वो बताने जा रहा हूं। सरकार में आपकी कितनी सीटें आ रही है उनकी एक बार बता दो। आपकी अकाली दल संविधान को एक बार बताइए। हम पे तो आप बाल में टिप्पणी करिएगा। गठबंधन पहले अपना घर बचाइए जो पूरा टूट के गिर गया है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आप कहां बात कर रहे हैं सापरा जी? अरे भाई साहब, आपके पास सुनने की क्षमता में पट्टी बांधी और सुनने की क्षमता नहीं है। क्या बंद रखना जब कोई सर्वे आता है तो हर पार्टी उसमें से आपने आपने पट्टी तो आपने अपने खुश होने के आंकड़े तलाश किए। एक सेकंड, एक सेकंड बता दीजिए सपड़ा जी, एक सेकंड रुकिए। हर पार्टी अपनी अपनी बेहतरी के आंकड़े तलाश राष्ट्र हो गया सपड़ा जी, हो गया ना प्लीज राष्ट्र मत गौरव जी, सपड़ा जी प्लीज, अच्छा नहीं लगता ये धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं, 56 इंच की जुबान कर ली है। धृतराष्ट्र बन रहे हैं प्लीज सपड़ा जी, प्लीज प्लीज थोड़ा सा प्लीज सपड़ा जी प्लीज। ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैंने बोला ना, मैं जब ये बोल रहे थे मैं बीच में बोल रहा था क्या? मैंने पूरा तसल्ली से दिया कि नहीं दिया? मैंने कहीं टोका टाकी नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा आपसे। जब एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरे का चुप रहना चाहिए। एक काम करिए, क्राइम भी बन जाए इनके बाद, मुझे समय नहीं मिल रहा, या फिर ये करिए कि सब सुने एक दूसरे को और दूसरा अपनी बात फिर बोल सके प्लीज। अभी 3 महीने बचे हुए बन रहा हूँ बेबी, नहीं बन रहा हूं। ये विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करिए मेरे सामने, तो मैं भी इनको टोकूंगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं। धमकी दे रहे आप मुझे? आप धमकी दे रहे हैं? बेबी नहीं हूं, हिम्मत रख रहा हूं, हिम्मत। आप धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं? आपको नहीं धमकी दे रहा हूं। तो फिर क्या कर रहे हैं? मैं बीजेपी को बता रहा हूं। मुद्दे की बात पे रहिए ना, बेबी नहीं बनने वाला। मुद्दे की बात पे रहिए, हमारे पास में मुद्दे हैं। आप सर्वे पे चर्चा करने आए हैं? धोखा किया है आप सर्वे पे चर्चा करने आए हैं सपरा जी? तो सर्वे पे रहिए, बात को किस तरह से काट रहे हैं के खिलाफ में प्लीज सापरा जी, डिबेट होती है। हाँ तो सर्वे पे रह रहा हूं, काटते हैं सम्मान के साथ काटिए, मैं कोई टोका टाकी नहीं करूंगा। बीच में कम से कम इनको बोलिए, कम से कम सापरा जी अपने मुंबई कांग्रेस के नेताओं वाली भाषा आप भी मत इस्तेमाल कीजिए, अच्छा नहीं लगता है प्लीज। जूही सिंह, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम तो मैंने असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, आपकी सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी में भाषा का इस्तेमाल किया, कांग्रेस से पूछ के बोलना होगा सहयोगी पार्टियों को? कांग्रेस समय छोड़ेगी तो बोल पाएंगे? नहीं नहीं उनको बोलने दीजिए। जूही जी सर एक मिनट, पहले तो इस पैनल पे कोई नैतिकता की बात ना करे। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, एलाइज में डिफरेंसेस, अपॉर्चुनिज्म, ये भाजपा में कूट कूट कर भरा है और इनके लोगों में भी भरा है। आप भी सरकार बनाना चाहते थे जब आपके पास सीट नहीं थी। दूसरी बात की मध्य प्रदेश में एक स्टेटमेंट आया, अभी तो वहां पर चुनाव दूर है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसीशन ले लेंगे। बसपा और समाजवादी पार्टी का एक बहुत मजबूत गठबंधन बनकर उभर रहा है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर तरीके से रोकेगा। मुद्दे हमारे पास है, नेतृत्व की कमी नहीं है, नेतृत्व भी उभर के आ जाएगा। कांग्रेस के साथ हमने 2017 में चुनाव लड़ा। भाजपा की बात हम करें, इनके जो सारे टैगलाइंस है, एक्चुअली ये सर्वे जो है वो अच्छा इंडिकेशन देता है। सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन, सेल्फी विद डॉटर, आंकड़े दिए जा चुके हैं। कौन सा जुमला जो आपने बाद में डिनाई किया, 15 लाख अकाउंट में कोई वादा आपने पूरा नहीं किया, जनता इसलिए आपसे डिसैटिस्फाइड है। अगर आपको लग रहा है नहीं डिसैटिस्फाइड है तो हमारे लिए तो अच्छा है, पर जूही जी हमारे लिए एक सर्वे, हर सर्वे का सम्मान है। आपको लगता नहीं जी रोहित कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आप लोग लड़ रहे थे तब आप यही सारी बातें कहते थे, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने वैसा नहीं किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने 15 लाख नहीं दिए, इन्होंने महंगाई कम नहीं की, पर जनता ने आपको वोट फिर भी नहीं दिया जी। रोहित जी नहीं दिया, एक बार दोबारा दे देगी, और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा भी मैं कुछ कहना जो इन्होंने बताया ना कि कैसे जातीय गणित को सेट करना है, स्ट्रेटजी बताना नहीं है, भ्रष्टाचार की परिभाषा ये करते हैं। और कर्नाटक में तो टिकट भी ऐसे लोगों को दे दिए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे थे, और जो बात अन्य पार्टी के लिए कही जाती है कि वो बेल पर हैं, और इनके प्रवक्ता उन लोगों के लिए कहते थे कि जब तक मुकदमा जो है वो प्रूव ना हो जाए तब तक जो है सब लोग बिल्कुल साफ शफाक हैं, तो
इनका कमल छाप साबुन इनके लिए चलता है। अन्य पार्टियां मुद्दों पे चढ़ेगी, अभी गन्ना किसान का भुगतान करें, अभी पेट्रोल डीजल की कीमत घटाएं, अभी तो ये चर्चा और चिंता ही कर रहे हैं ना। जनता की नब्ज को समझें, हम समझ रहे हैं और अपनी गलतियों से सीख भी रहे हैं। अजय आलोक, सर्वे से सहमत है आप? आपको लगता है सरकार की लोकप्रियता घट रही है और मुश्किल होगा आगे वाला चुनाव? देखिए रोहित जी, आपके सर्वे से तो एक बात स्पष्ट है कि सरकार किसी की बने, गठबंधन की सरकार बन रही है, गठबंधन ही वक्त की नजाकत है। जहां तक कांग्रेस और सपा और बाकी विपक्षी दल की बात है, जिस तरह से ये हमलावर हैं, तो मैं गालिब का एक शेर इनके लिए कहना चाहता हूं कि हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। गालिब तुम ही बताओ, ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है? क्या जनता को यही बताना है आपको कि मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, मोदी ने ये नहीं किया? कांग्रेस ये बता दे 10 वर्षों में उसने ऐसा क्या किया कि उसको 10 वर्षों के बाद सत्ता से बाहर निकलना पड़ा? सवाल ये नहीं है। आज जूही जी बोल रही है समाजवादी पार्टी की कि गठबंधन बनेगा, नेतृत्व अनेक है और कांग्रेस का नेतृत्व बड़ा सहजता से एक्सेप्ट कर रही है। 2004 याद दिलाता हूँ, 40 MP थे आपके उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस ने किनारे लगा दिया था, क्या क्या कहा था भारत में जनता पार्टी को। मैं बोल लूं इन लोगों को, बोल दिया रुक जाने, तू क्या है, भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या नहीं कहा था आपने? सापड़ा जी सुन तो लीजिए, उनको सुनिए, आपके काम देगा सापड़ा साहब। भारतीय जनता पार्टी ने तो आपका डीएनए, आपने गठबंधन बनाई जी, तो आपका डीएनए ममता दीदी दिखी, नीतीश कुमार जी भी साथ में काम करके भेज रहे थे दिल्ली, क्योंकि कांग्रेस के साथ आज की पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, एक समाजवादी पार्टी को छोड़ के कहीं ना कहीं सारी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस ही क्यों ना हो, और सब कोई बीजेपी के साथ ज्यादा सहज रहती हैं, ये मत भूलिए। और ये मत मानिए कि अभी सिर्फ मोदी विरोध के नाम पे चल रहा है। आज ममता दीदी को देखा ना, कितना अच्छा जी आप गठबंधन में हैं, इसलिए कह रही है। जब आप गठबंधन छोड़ के गए थे तब आप ही लोग गठबंधन में नहीं थे, बीजेपी का रवैया ठीक नहीं है, रोहित जी शिवसेना छोड़ के गई कह रही है बीजेपी का रवैया ठीक नहीं है। मैंने और केसी त्यागी दोनों ने ये बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम ज्यादा सहज थे, ये हमने पहले गठबंधन में रहते हुए भी कहा था। ये कहीं ना कहीं ये बात सही है कि बीजेपी अगर गठबंधन की नौबत पड़ी तो बीजेपी ज्यादा स्वीकार्य होगी बनस्पत की कांग्रेस। एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किसी को साथ नहीं आने देगा, एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं ममता बनर्जी के साथ, किनारे लगा दिया था 2004 में, 40 MP लेके आप कुछ नहीं कर पाए, न्यूक्लियर डील में सरकार बचाने आए 2009 में, नहीं पूछा क्या बात है, लोकतंत्र 2009 में सरकार आपने बचाई थी न्यूक्लियर डील के लिए, अमर सिंह इतने एक्टिव थे 2009 में सरकार बनाने के बाद। एक काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, आप कांग्रेस से गाना गा रही है, बड़े भाई छोड़ रुकिए, अजय जी और जूही जी एक सेकंड, कुछ तो आत्मसम्मान होना चाहिए। एक तस्वीर दिखा रहे, देखिए ममता बनर्जी को आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, जब प्रधानमंत्री पहुंचे पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, उस वक्त उनकी एक केमिस्ट्री दिखाई दी जिसमें की जानकार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी बयानों में बेशक बीजेपी और तृणमूल के एक दूसरे के प्रति कितनी भी कड़वाहट दिखाते हो, लेकिन ममता बनर्जी और पीएम मोदी की एक विशेष किस्म की प्रॉक्सिमिटी है जो पहले भी दिखती रही है और आज भी वो तस्वीर में दिखाई दी। गार्गा साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा होना भी चाहिए रोहित जी, हर नेता के बीच में होना चाहिए, इसमें क्या खराब है? टीएमसी से हैं हमारे साथ जो दंगाई पार्टी है, जूही जी इल्जाम लगाते हैं, जूही जी जूही जी हमारे साथ गार्गा जी हैं, वो टीएमसी से हैं, वो अगर बोल लें थोड़ा सा बोलिए गार्गा जी। हाँ, बीच में कोई मत टोकिए, हाँ, उम्मीद करते ये नहीं, तो औपचारिकता है, ये संघ की प्रधानमंत्री वो बंगाल में आ रहे हैं तो उसका वेलकम तो किया जाना ही जरूरी है। क्या कह रहे संघ, और इसके साथ हम ये भी बोलना चाहते हैं कि बंगाल में तृणमूल और बंगाल के अवाम के सबसे बड़ा शत्रु है दंगाई लोग, असभ्य लोग, और दिल्ली से जो अश्वमेध का जो घोड़ा है वो जो राज्यों में भेजा गया है, ये अश्वमेध को घोड़ा को कर्नाटक में पकड़ा गया है और बंगाल में ये अश्वमेध घोड़ा का लाश एकदम नागपुर में भेजा जाएगा। वैसे ही जैसे ही होने वाला है, चुनाव में लाशें बिछाई थी, आपका ये वही दिखाता है, आपका ये सर्वे वही दिखाता है, हिंसा की बात कर रहा है, यही तो चरित्र है आज आपका। और मैं आपको बता दूं, देखिए ये कैसा गठजोड़ है, आप घोड़े हैं क्या, आप घोड़े बेचते-बेचते घोड़े बन गए पश्चिम बंगाल में, राहुल गांधी बेचते-बेचते घोड़े बन गए, कोई टिप्पणी नहीं करी, अरे भैया आप घोड़े बेचते-बेचते घोड़े ही बन गए, तुष्टीकरण की राजनीति लीजिए, अगर आप घोड़े बेचना के बेचने के बाद समझेंगे तो वो घोड़े बन जाएंगे, लाखों की संख्या में आप गाय बन जाएंगे, फिर घोड़े बन गए, भाषा कर रहे हैं, क्या क्या जंतु बनेंगे, जानवर ही काट देंगे, गाय बन गए, घोड़े बन गए, क्या क्या बनेंगे, उचित नहीं है, समर्थक है समर्थक की तरह रहिए,
भाषा तो मर्यादित बोलिए। अभी भाजपा में आ गए आप, रोहित जी दो बातें कहना चाहता हूँ। आप घोड़े वाले हो सकते हैं, पहले सपा सुनिए ना, सुनिए ना गार्गा जी, आप घोड़े वाले हो सकते हैं, सुनिए अभी समर्थक एक सेकंड गार्गा जी, देखिए अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, झगड़ा नहीं कर देंगे, ये सवाल मेरा भी, ये सवाल तो पूछना बनता है ना, जब आप कह रहे हैं कि लाश भेज देंगे स्थानीय के मुख्यालय, घोड़े ना बेच के भी दूसरे लोग भी काम कर सकते हैं, चुनाव में जैसे लाशें बिछाई थी वैसे लाशें बिछाने का इशारा कर रहे हैं क्या आप? यही मेरा सवाल था, आप लोग लड़ने लगे पंचायत चुनाव के टाइम तो झारखंड से चौधरी को बुला लें अभी तो आपको मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना बंगाल में, वो क्या क्या बोलते हैं ममता बनर्जी और उनकी सरकार के लिए। सापरा जी पहले अपनी स्टेट यूनिट से बात तो कर लीजिए कि किसकी राय क्या है, किसके साथ खड़े होने को लेकर। बुला लीजिए, मैं कर लूंगा डिफेंड। आप पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हैं, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी तो उसके अस्तित्व पे संकट आ जाएगा। आपने कर्नाटक में अरविंद केजरीवाल को पहली कतार में दिखने तक नहीं दिया, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन में पार्टनर हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। 2019 में तय करेंगे, ये आज आपके चैनल पे नहीं तय होगा। तो उससे पहले क्या सांप सीढ़ी खिला रहे हैं? एक साल पहले आपके चैनल पे नहीं, उससे पहले क्या लूडो खिला रहे हैं? समय से तय होगा, उससे पहले लूडो खिला रहे हैं क्या? ये सब समय से तय होगा। और मैं आज आपको बता दूं, नहीं मैं लूडो की बात भी आपको बता देता हूं। ये जो लार्जली गठबंधन होगा ना, ये लार्जली गठबंधन प्रीपोल अलायंस होगा, और कोई ऐसे क्षेत्रों में महाराष्ट्र में सांप्रदायिक शिवसेना के साथ आपका गठबंधन होगा? दोनों अपोजिशन से है, महाराष्ट्र में सांप्रदायिक अलायंस कही जाने वाली शिवसेना के साथ गठबंधन करेंगे? ये आप जरा शांति रखिए, महाराष्ट्र में सांप्रदायिक शिवसेना के साथ गठबंधन करेंगे? कौन कहता है शिवसेना से गठबंधन करेंगे? आप कौन से ख्याली पुलाव घुमा रहे हैं यहाँ पर? क्यों, किसने कहा, क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे? शिवसेना से गठबंधन होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लगाए जा रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, कहा आप इतना परेशान क्यों हो गए इस बात से? आप पूछ रहे, नहीं आप पूछते भी क्यों है भाई, पूछते भी क्यों है? कांग्रेस पार्टी का शिवसेना, कांग्रेस पार्टी से सवाल भी नहीं पूछा जा सकता? आप पूछ के भी, कांग्रेस से सवाल भी नहीं पूछा जा सकता? आपसे सवाल भी नहीं पूछ सकते हम? समय क्यों खराब कर रहे हैं? मैंने कहा अच्छा भाई, शिवसेना पे बात करना समय जाया करना है कांग्रेस पार्टी के मुताबिक, ठीक है सपड़ा जी, शिवसेना पर बात करना समय जाया करना ठीक है। आपके गठबंधन पार्टनर भाग रहे हैं, इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं गौरव भाटिया, और सबने कुछ ना कुछ, जब जब संबंध टूटे आरोप बड़े तल्ख लगाए। देखिए एक बात तो ये जान लीजिए कि हमारी जो है 282 सीटें पिछले चुनाव में आई थी, और हम सबका सम्मान करते हैं, हमारे साथ बहुत से दल हैं और आगे और बढ़ने जा रहे हैं, श्री अमित शाह जी भी ये बात कह चुके हैं, आप देखेंगे, लेकिन हमने अपनी इतनी आंतरिक ताकत है कि हम अकेले भी चुनाव जीत के दिखाएंगे। आज जो बड़ा सवाल है, आप विरोधाभास देखिए, मुझे कुछ समय दे दियो, बीच में ना टोके वरना मैं भी टोकूंगा, उम्मीद करते नहीं। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में ममता जी कहती है चुनाव हो जाएगा जो हमसे टकराएगा, लेफ्ट का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, केरला में लेफ्ट के कल येचुरी जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम दिखाएंगे कांग्रेस को, कांग्रेस केरला में क्या करेगी, मध्य प्रदेश का मैं उदाहरण दे चुका हूं, और सबसे बड़ी बात है देश के जो बेटे हैं ना वो नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके विकास के साथ खड़े हैं, लेकिन वंशवादी जो बेटे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कुमार स्वामी हो, हेमंत सोरेन हो, ये सारे केवल वंशवाद का प्रतीक है, ये लोग एक साथ खड़े हैं।